सत्रहवें चरण में आप सब लोगों का स्वागत है और सरिस्का परिवार के साथ इस अभियान के सतत हम 16 चरण पूरा करने के बाद आज 17वें चरण को हम शुभारंभ कर रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा पूरी सरिस्का टीम का और आज इस कार्यक्रम का नेतृत्व सरिस्का टीम की ओर से धर्म सिंह जी कर रहे हैं। तो मैं धर्म सिंह जी का और इनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण अभियान को आज हम 17वें चरण को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ सरिस्का प्रांगण में आयोजित कर रहे हैं और जो हमारा सरिस्का है वो 1 अक्टूबर से जो अभी आरंभ हुआ है वापस पर्यटकों के लिए, तो ये एक अच्छा संदेश उनके लिए भी होगा कि हम अपने आसपास जो भी लोग अभ्यारण्य में भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं उनके साथ भी एक सकारात्मक संदेश प्रेषित होगा कि वो समाज में या आसपास के लोगों में स्वच्छता के प्रति हमारे सरिस्का को ग्रीन सरिस्का और क्लीन सरिस्का बनाने में सहयोग करेंगे। मैं धर्म सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे संबोधित करें। सर, और आए हुए सभी मेहमान और बच्चे, इस उच्चारण का 16 चरण पूरे कर लिए गए हैं। क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का में सभी टीम ने अच्छा कार्य किया और 17वें चरण में गांधी जयंती पर हम पूरे सरिस्का को सब मिल करके जो भी कचरा पॉलीथीन जंगल में है कहीं भी है उसको इकट्ठा करके उसको एक जगह रख देंगे, उसको कहीं दूर डालेंगे और पूरे पार्क को साफ बनाएंगे। कि आप सबका योगदान बड़ा सराहनीय है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का इस प्रकार से योगदान सरिस्का के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट लाएगा। आज हम देख रहे हैं सरिस्का में आप जैसे लोग अगर आगे आते रहे तो आने वाले समय में सरिस्का बहुत ही ऊंचाई पर होगा कि जिससे ये कचरा दुनिया में अपन दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ इस प्रकार के पॉलीथीन डाल जाते हैं, तो एक मैसेज देना है पब्लिक में कि हमें इस प्रकार की कचरा पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। और ये पूरी टीम बच्चे भी आज ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर ये प्रण करेंगे कि हम किसी भी प्रकार के पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो घर में आप सब्जी लाते हो या और कुछ कैरी बैग रखेंगे और इसका मैसेज पब्लिक में देना है, अपने घर पे करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ नई पुरानी को नाम देता हूँ। आसपास के लोगों को जो पॉलीथीन है उसके यूज के लिए भी जागरूक करेंगे और हमारे अभ्यारण को स्वच्छ बनाने में इस स्वच्छारण्य अभियान को हम सतत रूप से इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। जो वॉलंटियरली इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र जो TBM स्कूल से लगातार इसमें जुड़े हुए हैं, थानागाजी की और 2-3 स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं, बानसूर से जो लोग युवा जागृति संस्थान के ऊपर अध्ययनरत हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी प्रकार हम इस अभियान को सतत तरीके से लगातार बढ़ाएंगे। और अभियान कोई भी हो वो तभी लंबा चलता है जब मन से व्यक्ति उसमें जुड़ते हैं और लगातार उसको सतत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार हम क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का के इस थीम और टैगलाइन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बाघ हमारी शान है, अलवर की पहचान है। बाघ हमारी शान है, अलवर की पहचान है। क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का, क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का। Thank you.
आयोजित वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे आज हम सरिस्का के इस एनआईसी प्रांगण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और मंच पर आसीन फील्ड डायरेक्टर सर रूप नारायण मीणा जी, डीएफओ सर डीपी जागावत जी का मैं अपनी ओर से और सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और पुनः तालियां बजा के सर का स्वागत करेंगे। और इन सभी 16 चरणों को सम्मिलित करते हुए एक पूरी सरिस्का टीम और साथ में वॉलेंटियर्स और थानागाजी के स्कूल्स के बच्चों के थ्रू व यहाँ के वॉलेंटियर के द्वारा किए गए जो कार्य को एक मूवी के थ्रू यहाँ डिस्प्ले करेंगे आपके सम्मुख सर। सरिस्का परिवार के सफल नेतृत्व में इस स्वच्छारण्य अभियान को संचालित करके और आज इन 17 चरणों को पूरा किया है। और सर इसी के साथ एक बच्चे ने इस पूरी थीम को, एक गजेंद्र प्रजापत आर्टिस्ट एक बच्चा है, उसने इस थीम को अपने इस पोस्टर के थ्रू डिस्प्ले किया है पूरे इस स्वच्छारण्य अभियान को। तो मैं आग्रह करूंगा राकेश जी से और बच्चे को भी बुलाएंगे, सर आपके हाथों से इस पोस्टर का भी एक विमोचन है, जोरदार तालियां बजाएंगे। बच्चे को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि सर इसने अपनी पूरी आर्टिस्ट के साथ में इस सरिस्का अभ्यारण को पूरा क्लीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का जो थीम थी सर। आज आप 17वां चरण आप पूर्ण कर चुके हैं, 17वां है। देखिए दो तीन चीजें हैं कि राज्य सरकार क्या करती है, नीति नियम बनाती है, अपने रूल्स बनाती है और उसको हम फॉलो करते हैं। अलग अलग विभाग बने हुए हैं जो अपना कार्य करते हैं, वो विकास कार्य भी कराते हैं, जो भी हमारे वन क्षेत्र हैं उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि जो राज्य सरकार के स्तर से और विभागीय स्तर पर कुछ प्रयास होते हैं, लेकिन दूसरे कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो इन गतिविधियों के इतर होते हैं, उनसे अलग होते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो होते हैं जनता से जुड़े हुए, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम हमारी सीमाओं में रहते हुए नहीं कर पाते हैं और उन कार्यों को करने में आप हमारा सहयोग करते हैं। कचरा पड़ा हुआ है कहीं सड़कों पर, कोई गंदगी है, उसका ध्यान किसको जाता है नहीं जाता है ये अलग बात है, लेकिन जो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो जुड़े हुए लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वो उनको ध्यान देकर और वो कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ये केवल समाज के लिए भी संदेश नहीं जाता है बल्कि राज्य सरकार के लिए जो कार्य हैं उनमें भी मदद मिलती है। तो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से इसको अंजाम दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। और ये जो कार्य हैं आपके आने वाली पीढ़ी बच्चे, चूँकि सतत रूप से आपका हर साल और साल में मुझे लगता है 2-3 बार आपके ये कार्यक्रम होते हैं, तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको जो प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, निश्चित रूप से वो एक हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा कार्य और आप लोगों के लिए भी एक सराहनीय कार्य बन जाता है। आपने सरिस्का जंगल देखा है, सरिस्का से बाहर भी आपने कुछ जंगल देखे हैं। वन्य जीवों का अपना महत्व है, ये आप सब जानते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन वन क्षेत्र से बाहर अगर कोई वन्य जीव निकल जाते हैं, उनके बारे में सूचना देना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये भी एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तो आप सभी बच्चे ये आप ध्यान रखें कि कभी कोई वन्य जीव बाहर आता है उसकी सूचना भी दें, साथ में जो वन्य जीव हैं वो चूँकि हमारे एक प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम संरक्षित कैसे रख सकते हैं, उनको हम वापस पुनर्स्थापित कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोचते हुए इसमें प्रयास करें, ये भी एक हमारे लिए बेहतर कदम होगा। स्वच्छता में ही भगवान का वास रहता है, इसको हम अल्लाह कहें, खुदा कहें, ईसा मसीह कहें, जो कहें। अरे बच्चों, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं सही मायने में युवा जागृति संस्थान का आभारी हूँ इस सरिस्का प्रशासन की ओर से, और बच्चों का जो मैं एहसानमंद हूँ मेरी टीम में, द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूँ। अध्यापक अध्यापिकाएँ, आपके गार्जियंस तो आपको ये समय देते हैं आने के लिए, इन
सबका उद्देश्य एक ही है कि ये प्रकृति वन और वन्य जीव इनको किस तरह हम संजोएं, बचाएं, सुरक्षित रखें, क्योंकि जंगल और वन पर्याय है, इनके बिना हमारा और आपका वन्य जीवों का जीवन संभव नहीं। मैं उन्हें आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए दो तीन चीज़ें निवेदन करूँगा कि सरिस्का प्रशासन इस मुहिम के साथ रहा है, साथ है और साथ रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, सरिस्का का वो पटल जब यहाँ पर टाइगर जीरो हो चुके थे, आज हमारा सेना गर्व से जोड़ा होता है, फख्र होता है। आज हमारे पास 24 टाइगर हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और ये पता है मैं 2 साल पहले आया था तो 16 टाइगर जब मैं ज्वाइन किया था तब किया। किस तरह से यहाँ सब लोगों को एक माला में परोने का काम का प्रयास किया हम लोगों ने टीम सरिस्का, उसमें आप एक सदस्य के रूप में जुड़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सरिस्का का उज्ज्वल भविष्य है, और मैं नहीं समझता कोई नकारात्मक शक्ति अब सरिस्का टाइगर रिजर्व को या सरिस्का की टीम को कहीं व्यवधान करके और को रोकने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है सैनी जी आपकी टीम तन मन धन में नहीं कहूँगा, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे, ना ही अपेक्षा रखता हूँ, परंतु जहाँ जैसी स्थिति बन पड़े सरिस्का टाइगर रिजर्व के, चाहे वो वन्य जीवों का प्रश्न है, चाहे वनों का प्रश्न है, चाहे वन कर्मियों का प्रश्न है, आप जितनी शक्ति से मदद कर सकते हैं, शारीरिक कोई मेहनत जिसको आप कर रहे हैं, मानसिक मन से तात्पर्य आप इस श्रृंखला को सीरीज के रूप में बढ़ा दीजिए। एक जो हमारी दुर्गा शक्ति होती है बच्चियाँ और लड़का जो है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। एक बच्चा जो है वो राष्ट्र निर्माण में बड़ा एक सहयोगी सिद्ध हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि वो अधिकारी के रूप में, आवश्यक नहीं है कि वो नेटवर्क के रूप में, आवश्यक नहीं है कि वो किसी बिजनेस क्लास के रूप में, बट एक सामान्य नागरिक के रूप में भी आप अपना प्रत्यक्ष पहचान बना सकते हैं। साथ मेरा यही अनुरोध रहेगा आपसे कि उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ आप लोगों के, और सरिस्का के साथ पुनः पुनः साथ रह करके इसको आगे बढ़ाने में मदद करें, और हम आप लोगों के अपेक्षा के साथ।